आप मुझे बताइए सर, अगर हर एक महीने में या दो महीने में किसी एक मुसलमान को लिंच किया जाएगा, टोपी के नाम पर मारा जाएगा, गाय के गोश्त के नाम पर मारा जाएगा, उसको चोरी के नाम पर मारा जाएगा, उसकी जान को अगर लिया जाएगा, आप बताइए कैसे आप हिंदुस्तान की 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे कर पाएंगे आप? कि आप 14% आवाम को मॉब लिंचिंग के नाम पर मार मार कर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे आप। चौथी बात, मैं सर पांचवी बात, सर यह कामयाबी आपको मिली, मैं आपको मुबारकबाद देता अगर आपकी कामयाबी इंडियन नेशनलिज्म पर होती, वो नहीं हुई, क्योंकि डेटा बता रहा है कि आपकी कामयाबी हिंदू नेशनलिज्म को आपने जो फरोग दिया उसका आपको फायदा मिला। मैं नहीं जानता, मैं मुझे नहीं मालूम कि ईवीएम टैंपर हुए नहीं हुए, मगर मैं जरूर कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि 2014 से 2019, अब 2019 से 2024 तक अक्सरियती तबके की मेजोरिटेरियन कम्युनिटी के माइंड की आप टैंपर करेंगे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इंडियन नेशनलिज्म को अगर आप फरोग देंगे तो मॉब लिंचिंग खत्म हो जाएगी, और मॉब लिंचिंग खत्म करने के लिए इंडियन नेशनलिज्म को मानना पड़ेगा, मगर आप अपनी आइडियोलॉजी से इतना बंधे हुए हैं कि आप उसको तोड़कर निकल ही नहीं सकते। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।